ये टॉपिक, ये चैप्टर तमाम टेट के लिए, चाहे वो सी टेट हो या किसी स्टेट का टेट हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और यहाँ से अक्सर एक दो सवाल पूछे ही जाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल जानकारी विद जेडी में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक टीचिंग मेथड की बात है, टीचिंग की बात है, तदरीस की बात, कमोबेश बहुत सारे अकसाम हैं, मगर उससे पहले टीचिंग के दो पहलू हैं, दो साइड हैं। एक है टीचर सेंटर्ड टीचिंग और एक है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, यानी उस्ताद मरकूज तरीका और तालबे इलम मरकूज तरीका, यानी लर्नर सेंटर्ड। उनमें से हर तरीका, चाहे तो उस्ताद मरकूज तरीका होगा या फिर तालबे इलम मरकूज तरीका होगा, और दो चार कुछ ऐसे तरीके होंगे जो मिक्सिंग होगा, दोनों का मखलूत होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला तरीका लेक्चर मेथड, यानी के तकरीरी मेथड। ये तरीका टीचर सेंटर्ड है, काफी फरसोदा है, काफी पुराना है, काफी कदीम है। इसका और एक प्यारा सा नाम चॉक एंड टॉक मेथड भी है। लेक्चर मेथड पुराने दिनों में, कदीम वक्तों में अक्सर इस्तेमाल होते थे दर्सगाहों पर, मगर आज के दौर में ये तरीका उतना मुनासिब समझा। इस तरीके में टीचर एक एक्टिव मेंबर के तौर पर काम करता है, फाल मेंबर के तौर पर काम करता है, जबकि लर्नर पैसिव मेंबर हो जाते हैं, गैर फाल मेंबर हो जाते हैं। इसलिए लर्नर की दिलचस्पी जाती रहती है और तरीके में उतनी दिलकशी पैदा नहीं होती, इसलिए इस तरीके को उतना कारगर समझा नहीं जाता। टीम टीचिंग एक और तरीका है, गर्चे ये टीचर सेंटर्ड तरीका है, मगर बहुत हद तक आज के मॉडर्न और जदीद तालीमी निज़ाम में इस तरीके को कारगर समझा गया है। टीम टीचिंग का मतलब होता है जब एक मौजू पर, एक चैप्टर पर या एक सब्जेक्ट पर दो तीन असातज़ा अपने मेहनत को बांट लेते हैं, अपने कामों को बांट लेते हैं, तो उसको टीम टीचिंग कहते हैं। इस तरह की टीचिंग में किसी भी उस्ताद को उन्हीं के काबिलियत के हिसाब से टॉपिक का कोई हिस्सा बांट दिया जाता है, ताकि पढ़ाई दिलचस्प हो पाए और तालबे इल्मों को मज़ा आए, और बिलखसूस टीचर की अलग अलग काबिलियत के हिसाब से अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। एक तरीका है कहानी का तरीका। ये तरीका अमूमन 6 साल से कम उम्र के बच्चे या 6 साल के अगल बगल के बच्चों के लिए काफ़ी कारामद समझा जाता है। इस तरीके में बिलखसूस ज़खीरे अल्फाज का इजाफा होता है, तस्वुरात बनते हैं, तखयलात बनते हैं, और बच्चे इखलाकियात पर मुश्तमिल किस्से कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए ये ज़्यादा काफ़ी मौसर होती है और इनमें इखलाक की आबियारी होती है, और ये तरीका बच्चों के बिलखसूस नफ्सियात से बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है। इसलिए इस तरह के तरीके प्राइमरी लेवल पर, अगर हम इस तरीके के फायदे की बात करें तो किसी चीज़ पर फोकस करना, तस्वुरात में तख्लीक पैदा करना, ज़खीरे अल्फाज, ये तमाम खसूसियात हैं, ये तमाम फायदे हैं इस तरीके के। ये तरीका आज के डेट में काफ़ी कारामद समझा जाता है। अगला तरीका है मत्तन तदरीस, मत्तन का तरीका यानी टेक्स्ट बुक का तरीका। इस तरीके में उस्ताद बाआवाज़ बुलंद किसी किताब के मत्तन को पढ़ते हैं और धीरे धीरे पॉइंट की तश्री करते हैं। इसमें तालबे इल्म को भी मत्तन पढ़ने का मौका मिलता है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये तरीका बहुत हद तक उस्ताद मरकूज तरीका भी है और तालबे इल्म मरकूज तरीका भी है, यानी कि दोनों की 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन की मदद से ये तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है और बेहतरीन समझा जाता है इस तरीके को। मगर हाँ, इस तरीके में बिलखसूस मत्तन की खसूसियत अगर देखी जाए तो बच्चों की उम्र के लिहाज से फहम, किताबत, तबावत, शमूलात, ऐसी चीज़ें शामिल करनी होगी जो बच्चे के काबिलियत के एतबार से हो, वरना फिर उनकी दिलकशी और तफरी का जरिया अगर ना बन पाए तो फिर मतन का तरीका उतना कारगर साबित नहीं होगा। और अगर दीगर चीज़ों को देखें तो जब उस्ताद मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है तो बच्चों में एक लिसनिंग कैपेसिटी, जो कि बुनियादी महारतों में से एक है जुबान की लिसनिंग, वो लिसनिंग पावर आती है, और जब ये बजाते खुद बच्चा मतन को पढ़ता है तो उनमें एक स्पीकिंग और बोलने की सलाहियत भी परवान चढ़ती है। इससे उस्ताद के जरिया आवाज़ सुनने के बाद जब वो अपने तलफ़ की अदायगी करते हैं तो तलफ़ में एक बेहतरीन इजाफा होता है। मतन के तरीके में
मत्तन को पढ़ने से पहले, मत्तन को पढ़ने के दौरान और मत्तन के पढ़ने के बाद के कुछ मकासिद होते हैं। मसलन मत्तन पढ़ने से पहले ये देखना है कि हदफ क्या है इस मत्तन का, क्या हमारे तालबे इलम उस मकसद को हासिल कर पाते हैं, तो इस पर उस्ताद को बजाते खुद गौर करना होगा, यानी कि स्टूडेंट की और लर्नर की काबिलियत के अतबार से मत्तन का सिलेक्शन करना, उनका इंतखाब करना। पढ़ने के दौरान तलफ्फुज वगैरह का ख्याल रखना और पढ़ने के बाद के जांच करना कि क्या उस हदफ को पूरा किया गया जो इस मत्तन का मकसद था। ट्यूटोरियल तरीका यानी जमात बंदी का तरीका। इस तरीके में तलबा को, लर्नर्स को ग्रुप में तकसीम किया जाता है। तालबे इलम को इनफरादी तालीम देने के बजाय ग्रुप में तालीम दी जाती है। जब ग्रुप में तालीम दी जाती है तो इसमें खुसूसन ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो ग्रुप बंदी कर रहे हैं वो होमोजेनस है या हेटेरोजेनस। होमोजेनस का मतलब हुआ कि एक तरह की सलाहियत वाले लर्नर्स की एक ग्रुप, एक जमात, और हेटेरोजेनस का मतलब अलग अलग सलाहियत रखने वाले तालबे इलमों की एक जमात। ट्यूटोरियल यानी जमात बंदी यानी ग्रुप बंदी तरीका की एक खास खूबी यह है कि इसमें ट्यूटर हेल्प करते हैं, कोई ग्रेडिंग नहीं करते हैं, और ये ऑन डिमांड हो पाता है, यानी कि टाइम और ज्योग्राफी की कोई बंदिश नहीं रहती है, बच्चे आजादाना तौर पर इसको बआसानी कर पाते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखेंगे यहाँ उस्ताद मोहतरम के, जब कभी आप ट्यूटोरियल मेथड से पढ़ाने की कोशिश करें तो थोड़ी सी मिक्स करें आप, कि एक ग्रुप बनाए ताकि थोड़ा सा हेटेरोजेनस बनाए, यानी कि एक होमोजेनस ग्रुप बनाने के बावजूद कुछ ऐसे तालबे इलम को उस जमात में रखें कि वो ग्रुप उस तालबे इलम से भी कुछ सीख पाए और खुद से और उस्ताद की मदद से भी कुछ सीख पाए। यानी अल मुख्तसर हुआ कि कमजोर तालबे इलम भी जमात में उन बच्चों की मदद से सीख पाए। और यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बरूए कार यहाँ पर लाया जा सकता है। सवाल जवाब का तरीका, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये तरीका दरअसल सुकरात साहब की ईजाद है। उनका कहना था कि जब कभी हमारे जहन में, दिल में जो भी मख्फी मालूमात होते हैं उनको बाहर निकालने का, उनको आउटिंग करने का एक बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन आंसर मेथड। लर्नर्स जवाब देते हैं तो बगौर देखेंगे तो ये एक मिक्सिंग है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन के बीच की एक कड़ी है, तो ये काफी कारामद समझा जाता है। तो उसके जवाब में जब तालबे इलम कोई जवाब देता है तो उनमें दोनों के इल्म में इजाफा होता है, यानी अल मुख्तसर ये कह सकते हैं कि कभी कभार उस्ताद को भी तालबे इल्मों से सीखने का एक बेहतरीन मौका फराहम हो जाता है। हाँ, यहाँ एक बात जो गौर करने की है, सवाल जवाब के तरीके को भी कभार सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, गर्चे पुराना है मगर बहुत ही कारामद साबित हुआ है। उसके अलावा सवाल करते वक्त इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों की काबिलियत, उनकी उनकी उम्र और उनकी दिलचस्पियों को नजर में रखते हुए सवाल जवाब के तरीके को अपनाएंगे तो ये काफी कारगर तरीका साबित होगा। बहस व मुबहसा का तरीका यानी डिस्कशन मेथड, ये मेथड भी आज काफी मशहूर और मारूफ है, काफी मकबूल भी है और दरसगाहों में बिलखसूस प्राइमरी के साथ साथ सानवी और आला सानवी जमातों में भी एक तरीका काफी कारगर समझा जाता है। बहस व मुबहसा के तरीके पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो पता चलता है कि इसमें लीडरशिप की जो सलाहियत है किसी तालबे इलम में वो उभर करके सामने आती है। इस मेथड में तलबा पहले उस्ताद से फिर आपस में गुफ्तगू करके मुबहसा करके कुछ सीखते हैं। इसकी कुछ खसूसियात का अगर हम जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें खुले जहन से बहस की जाती है, खुले जहन की इजाजत रहती है, इसलिए तालबे इल्म की तख्लीकी सलाहियत और उनके जहन को एक परवान मिलता है, लीडरशिप की सलाहियत निखर के आ जाती है, इसको मैंने पहले ही बोल दिया। और बिलखसूस जब बहस व मुबहसा के जरिए तालीम दी जाती है तो जब कोई तालबे इल्म बोल रहा होता है तो उनकी बोलने की सलाहियत पर परवान चढ़ती है और जो सुन रहा होता है उनके सुनने की समात की जो सलाहियत है वो बढ़ती है। और इस दौरान इसमें एक सब्र और तहमुल का भी मादा उभर करके आता है कि जब कोई बोलता है तो हम सुनते हैं और जब कोई सुनता है तो हम बोल रहे होते हैं। तो ये पूरे मेथड में दोनों गुफ्तगू बेहतरीन है कि बोलने और सुनने की दोनों की सलाहियत परवान चढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। अलावा उसके
उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनके आदत व एतबार और ख्यालात का भी इजहार होता है कि किसी एक मजमून को, किसी एक मौजू को कोई तालिबे इल्म किस तरह डील करता है, उनके मंतकी फिक्र अंदाज का भी पता चलता है। अगला है इनकशाफी तरीका, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस तरीके के बानी या चीज आम स्ट्रॉन्ग साहब को माना जाता है। इसको कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है, वो भी नाम दिया जाता है। इस तरीके में तलबा खुद से किसी हकायक, किसी फैक्ट की तलाश करते हैं और जब किसी फैक्ट की तलाश करते वक्त कोई जो दिक्कतें आती हैं उस पर, और ऐसा कुछ करने के दौरान तालिबे इल्म अक्सर गलतियां भी करते हैं, लेकिन बार बार गलतियां करने के बाद उस पर काबू पा लेते हैं तालिबे इल्म, इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड का भी नाम दिया जा सकता है। इस तरीके में खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि किसी एक नई हकीकत, कोई एक नए फैक्ट की तलाश करना यह मामूली बात नहीं होती। इस तरीके में खोज की जाती है और तलाश पर मबनी तदरीस का एक तरीका है ये। ये तरीका इनकशाफी तरीके के साथ बहुत हद तक ममासलत रखता है, बहुत हद तक सिमिलरिटी रखता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फर्क है। डिस्कवरी मेथड बिलखसूस सोशल साइंस की तदरीस के लिए काफी कारामत समझा जाता है, जबकि इनकशाफी तरीका प्योर साइंस के लिए, उसके कानून बनाने के लिए, उसके कवानीन तक पहुंचने के लिए काफी कारगर साबित होती है। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि खोज के तरीका में पहले से मौजूद हकायक की तशरीह की जाती है, जबकि इनकशाफ के तरीका में नए चीज की दरियाफ्त होती है, नए चीज की खोज होती है। यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड में कोई प्रीवियस नॉलेज का काम नहीं रहता है, उसमें बिल्कुल नए सिरे से किसी चीज को खड़ा किया जाता है, जबकि खोज के तरीके में माजी के इल्म के साथ भी इसका एक ताल्लुक है, इसलिए सोशल साइंस में ज्यादा काम कारगर साबित होता है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट का तरीका। इसके बानी विलियम हर्ड किलपैट्रिक, उन्हें एक किसी मौजू पर एक मंसूबा दिया जाता है, एक प्लानिंग करी जाती है, और वो जिस मौजू पर उन्हें कुछ प्लानिंग करने को दी जाती है वो अमूमन समाज से रिलेटेड होता है, यानी समाज से मुताल्लिक होता है। मसलन एक ग्रुप, आपके अगल बगल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स के गिर्दो नवा में जो भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं उन तमाम के नाम लिख करके लेके आए, तो ये उनका प्रोजेक्ट मेथड कहलाएगा। इसमें तख्लीकी सलाहियत बहुत ज्यादा उभर कर सामने आती है, इसमें भी तख्लीकी सलाहियत और इनकशाफी तरीके में भी तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ती है, मगर इनकशाफी तरीका अमूमन इनफरादी होता है, इंडिविजुअल होता है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड हमेशा ग्रुप बननी में होती है, ग्रुप में होती है। अगला तरीका है एक्टिंग तरीका, रोल प्ले तरीका, या फिर ड्रामेटाइजेशन तरीका भी उसको कहते हैं। इसमें तालिबे इल्म या फिर उस्ताद कोई एक अदाकारी करते हैं, इसमें कोई तकरीर नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती है, बल्कि एक रोल दिया जाता है, रोल को प्ले करना होता है। वो रोल प्ले करने वाला चाहे तालिबे इल्म भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है, जो भी कोई एक रोल प्ले करता है बाकी तमाम के तमाम उन्हें बगौर देखते हैं और उनकी खूबी और खराबियों पर नजर रखते हैं। कि तलबा जो बगौर देख रहे होते हैं उनमें मुशाहदाती यानी कि डेमोस्ट्रेशन और मुशाहदाती कुव्वत काफी परवान चढ़ती है। इज्तमाई तरीका, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इस तरीका के खालिक का नाम एलेक्स, इससे तलबा की फिक्री ताकत बढ़ती है, मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात की कदर करने का भी एक जज्बा पैदा होता है और नए नए ख्यालात पैदा होते हैं। इस तरीके में बच्चों की बोलने की हौसला अफजाई किया जाती है, ख्यालात शेयर करने का एक दूसरे से सीखते हैं, अलावा उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी भी बनती है, तलबा की गलतफहमी दूर हो जाती है। फौजी तरबियती तरीका यानी ड्रिल मेथड, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट तरीकों में ये आता है। इस तरीके में असातजा जो कायदा या जाबता, कोई कानून जो तलबा को पढ़ा लिए होते हैं उनको अमली जामा पहनाने के गर्ज से ये तरीका अपनाया जाता है, और जब
उनके उसूल और कवायद को दरसगाह में अमली जामा पहनाया जाना होता है तब उसातजा उनकी निगरानी करते हैं, और जहां कहीं तलबा लर्नर उस काम को करने से कासिर होते हैं या गलती कर जाते हैं उस जगह आकर उसातजा तलबा की मदद करते हैं, जिसको हम लोग इस्तिक़राई तरीका भी कह सकते हैं। ये तरीका एरिस्टोटल का दिया हुआ है, उन्हीं का तरीका माना जाता है। ये कभी कभार साइंटिफिक मेथड भी कहलाता है। इसमें बहुत सारी मशालें पहले पेश की जाती है, फिर उसकी रोशनी में कोई कायदा बनाया जाता है, यानी कि मजहूलात से मालूमात का सफ़र होता है, नामालूम से मालूम का सफर। ये तरीका आज के डेट में काफ़ी मशहूर, काफ़ी मकबूल तरीका है। इसको साइंटिफिक कहने की एक वजह यह है कि यहाँ बच्चे बोरियत का शिकार नहीं होते हैं, काफ़ी दिलचस्प तरीका होता है, इसमें तख्लीकी फिक्र की सलाहियत पैदा होती है, क्योंकि मसालों के जरिया किसी एक उसूल तक पहुंचना ये काफ़ी अहम माना जाता है। बनिस्बत डिडक्टिव मेथड के इस तरीके में वक्त ज़्यादा सरफ होता है, लेकिन तालब इलम रट्टा से बच जाता है, बोरियत से बच जाता है, अदम दिलचस्पी से बच जाता है। डिडक्टिव मेथड, कायदा से मिसाल का तरीका, इसमें सबसे पहले कायदा बनाया जाता है, फिर उसके बाद मसालें पेश की जाती हैं। ये आम से खास का सफर है, यानी मालूम से नामालूम का सफर है, यानी मानूस चीजों से गैर मानूस चीजों की तरफ जाने का सफर है। इसमें गरचे वक्त बचता है, तलबा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर इसमें सोचने का दायरा महदूद हो जाता है, यानी कि तख्लीकी फिक्र पैदा नहीं होने पाती। मसाइल हल करने का तरीका, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इस तरीके में बच्चों के सामने एक मुश्किल रखी जाती है और कहा जाता है कि इनका हल तलाश करो। तलबा लर्नर अज खुद परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर कभी कभार ये फेल हो जाते हैं तो उन्हें इशारा भी दिया जाता है, और ऐसा करने से तलबा में सोचने की सलाहियत बढ़ती है। सयाही तरीका, फील्ड ट्रिप और एक्सकर्शन मेथड, इस तरीके में बच्चों को सियाहत पर लेके जाया जाता है, यानी फील्ड ट्रिप करवाया जाता है, कहीं की टूर कराई जाती है, जहां जमीनी सतह पर बच्चों से डेटा जमा करने के लिए कहा जाता है। इस तरीके में बच्चे तफरीह के साथ साथ तालीम भी हासिल करते हैं और मुशाहिदाए फितरत से इल्म हासिल करते रहते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प तरीका। खेल खेल का तरीका, प्लेवे मेथड, इस नज़रिए के तख्लीककार का नाम फॉरबेल फ्रेडरिच है। इसमें बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक खेल खेल में तालीम देने का तरीका इख्तियार किया जाता है। उसका दूसरा नाम किंडरगार्टन मेथड भी है। इसमें खेल को अव्वलियत हासिल है, मैंने प्राइमरी टास्क इस खेल का, इस तरीके का प्राइमरी टास्क है कि खेला जाए, जबकि तालीम सानवी मकसद होता है, यानी कम उम्र के बच्चों के लिए ये काफी कारगर तरीका साबित होता है। आपने किंडरगार्टन के बहुत सारे स्कूल्स भी अगल बगल में देखे होंगे जहां बच्चे सिर्फ महज खेलने के लिए जाते हैं, सानवी मकसद होता है पढ़ाई का तरीका। एक्टिविटी मेथड, इसके तख्लीककार डेविड हॉर्सबर्ग को माना जाता है। इसमें लर्नर्स और टीचर्स दोनों बराबर के शरीकदार होते हैं, यानी 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और फिर जब ये तरीका बहुत हद तक धीरे धीरे कारगर होने को होता है तो इसको मुकम्मल तौर पर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बनाने के लिए उस्ताद बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, उसको शामिल होने के लिए कहते हैं, और इस तरह एक्टिविटी को मुकम्मल कराया जाता है। तजज़ियाती तरीका, यानी एनालिसिस मेथड, इस तरीका में मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, फिर उस्ताद एक के बाद एक रे हर एक हिस्सा की तशरीह करता है और उनका हल बताता है। इसमें मजहूलात से मालूमात की तरफ जाया जाता है, यानी कि बहुत हद तक आप इन्हें इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। और तारीख पढ़ाने में यह तरीका काफी कारगर माना जाता है।
तरकीबी तरीका सिंथेसिस मेथड, छोटे छोटे मसाइल को इस तरह जोड़ा जाता है कि इसके मजमा से कोई मानी खैस नतीजा निकलता है। इस तरीके में मालूमात से मजहूलात तक और तजजिया से नतीजा तक पहुंचते हैं, यानी कि बहुत हद तक इसको हम लोग डिडक्टिव तरीके में रख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी खुर्दबीनी तरीका, इस नजरिए के खालिक का नाम ड्विट एलन है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें तलबा को तदरीस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके में कुल 36 मिनट की क्लास रखी जाती है, जिसमें से पहले 6 मिनट पढ़ाया जाता है, फिर 6 मिनट फीडबैक दिया जाता है, फिर 12 मिनट तक रीप्लानिंग किया जाता है, फिर 6 मिनट तक पढ़ाया जाता है और फिर 6 मिनट तक रीफीडबैक लिया जाता है, और इस तरह कुल 36 मिनट का एक क्लास होता है। इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। यह तरीका आजकल काफी कारगर साबित होने लगा है। इस तरीके में बच्चा तालबे इलम घबराहट का शिकार नहीं होता। इंस्ट्रक्शनल मेथड, यह नजरिया बीएफ स्किनर साहब से मंसूब है। इसमें कुछ ऐसे आले इजाद किए जाते हैं जिसकी मदद से तलबा अपनी तालीमी सलाहियत को परवान चढ़ाता है। गैर बसरी तरीका ब्रेल स्क्रिप्ट मेथड, इसके तख्लीककार का नाम लोइस ब्रेल है। इसमें 6 उभरे हुए नकूश पर मबनी अलामत बनाए जाते हैं जिसे छूकर कोई अंधा या नाबीना अफराद तालीम हासिल करते हैं। तकलीदी तरीका इमिटेशन मेथड, बच्चों की नफ्सियात के माहिरान का मानना है कि नई मालूमात सीखने का एक सबसे अहम तरीका तकलीद या नकल है। तालिबे इल्म अपने आसपास के अफराद और माहौल से जिस तरह सीखते हैं उसे कॉपी करते हैं। तदरीस का यह तरीका काफी मुफीद है कि बच्चों को अपने आप को नमूना बनाकर तालीम दी जाए। इसके बानी अल्बर्ट बिंदोरा साहब हैं। बेसिक एजुकेशन मेथड बुनियादी तालीमी तरीका, इस नजरिया के बानी गांधी जी को माना जाता है। उनका कहना था कि तालीम तलबा मरकूज होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होना चाहिए। तालीम बच्चों की मादरी जबान में दी जानी चाहिए। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।